नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहल्या दस्तक। साथियों, जिस किसी भाई बहन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि समाज की हर खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। साथियों, दरअसल आज का मुद्दा थोड़ा सा अहम मुद्दा है। आप सभी लोगों को पता होगा कि पूजा पाल ने जब से ब्रजेश वर्मा से शादी की है और ये खबर समाज में जब से तेजी से फैली है, तब से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और तमाम लोग इस पे अपने तथ्य दे रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो डाली थी इससे पहले, उस पे आप तमाम लोगों के कमेंट आए थे कि इन्हें समाज में कोई व्यक्ति नहीं मिला, या फिर ऐसे भद्दे भद्दे बहुत सारे कमेंट्स थे कि इनको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो साथियों, मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहूँगा, किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेके कुछ भी ना कहें, क्योंकि साथियों ये सब ठीक नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, आप किससे शादी करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपका व्यक्तिगत फैसला है। ऐसे ही साथियों पूजा पाल जी के साथ है, वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगी ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन साथियों, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। साथियों, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना, इससे गिरी हुई हरकत कोई नहीं हो सकती। साथियों, ये पूरा समाज कहीं ना कहीं पूजा पाल जी का पहले भी साथ देता था, आज भी साथ दे रहा है, आगे भी साथ देगा। जब तक उनके नाम के आगे पाल लगा है और वो पाल समाज से हैं साथियों, इसीलिए समाज पूरी तरह से उनका साथ देगा। साथियों, आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई भी टिप्पणी ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ समाज में कटाव पैदा होगा। पूजा पाल एक समाज में दूसरी तीसरी बार विधायक बनी है, ये बड़े गर्व की बात है समाज के लिए। जैसे तैसे तो विधायक बनते हैं समाज में, गिने चुने, और उन लोगों से आपकी शिकायतें कभी कम नहीं होती। साथियों धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय अहिल्याबाई होलकर।